ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट आर पार्टिकुलरली यूजफुल। दो किस्म के जो सैटेलाइट ऑर्बिट हैं वो ज़्यादातर क्या की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। दीज टू आर द पोलर ऑर्बिट एंड द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट होते हैं? पोलर ऑर्बिट्स के, अगर पोलर कहते हैं हम कुतबी, ऑर्बिट कहते हैं किसी भी कुतब के गर्द क्या करना, किसी भी रेवोल्यूशन करना, गर्दिश करना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? पोलर ऑर्बिट। द सैटेलाइट इज एन ऑर्बिट ओवर द अर्थ, ये अर्थ के पोल है, दिस इज द पोल। ये इन पोल्स के ऊपर क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। कोई सैटेलाइट इन पोल्स के ऊपर क्या करेगी? आपको पता है अर्थ के टू पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। साउथ पहले, नॉर्थ टू साउथ होता है और फिर साउथ टू नॉर्थ होता है। तो जब कोई चीज़ किसी एक पर्टिकुलर पोल की एक गिर रिवॉल्व करती है तो उस ऑर्बिट की रेवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? पोलर ऑर्बिट। तो सैटेलाइट इज इन ऑर्बिट ओवर द अर्थ पोल, ये जो ऑर्बिट है, ये जो सैटेलाइट है, ये अर्थ पोल्स पे होगी, मतलब इट ट्रेवल फ्रॉम नाउ टू साउथ। ये नाउ से साउथ आएगी वन साइड ऑफ द अर्थ, फिर वापस जाएगी साउथ टू नॉर्थ ऑन द अदर साइड ऑफ, मतलब ये जमीन के जो इर्द गिर्द है वो पोल्स बनाकर क्या करेगी? मूव करेगी। इसलिए हम उसका नाम देते हैं पोलर ऑर्बिट का। एज यू नो वेरिएबल टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, साउथ टू नॉर्थ। द अर्थ इज ऑल्सो, क्योंकि जमीन जो है वो खुद भी क्या कर रही है? स्पिनिंग कर रही है बीनीथ द सैटेलाइट, इन सैटेलाइट्स के नीचे। हैंस इट्स अपीयर दैट द सैटेलाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्पाइरल ट्रैक, दिस इज द स्पाइरल ट्रैक। तो इस स्पाइरल ट्रैक की अर्थ सरफेस के अंदर क्या करते हैं? कोई भी ऑर्बिट, कोई भी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में, स्पाइरल ऑर्बिट में क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी। तो उसकी रेवोल्यूशन को हम किसका नाम देंगे? कि ये पोलर ऑर्बिट है और इस पोलर ऑर्बिट के गिर्द क्या कर रहे हैं? जमीन की सिम्थ को चेक करने के लिए, जमीन की लोकेशन को चेक करने के लिए क्या कर रहा है? कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। वो आपको बताएगी कि जमीन जो है वो इस वक्त नॉर्थ पोल में है या वो साउथ पोल में है। तो इस किस्म की हम ऑर्बिट को हम किसका नाम देते हैं? सैटेलाइट का पोलर ऑर्बिट कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो डायरेक्टली इक्वेटर्स पर, अबव द इक्वेटर, उन पोल से ऊपर क्या कर रही है? मूव कर रही है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से अबव क्या कर रही है? मूव कर रही है। उस किस्म की सैटेलाइट को हम किसका नाम देते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसकी हाइट जो होती है वो तकरीबन 36,000 किलोमीटर होती है और ये 24 घंटे लगाएगी, मतलब एक पूरा दिन लगाएगी जमीन के इर्द गिर्द क्या करने में? अपने रेवोल्यूशन को, अपने चक्कर को क्या करने में? पूरा करने में। सिंस अर्थ इज स्पिनिंग बीनीथ इन द सेम, जमीन इसके इर्द गिर्द क्या करेगी? स्पिन भी करती रहेगी। इट अपीयर टू द रिमेन स्टेशनरी एट वन पॉइंट ऑन द इक्वेटर, जब ये एक पॉइंट पे जाएगी तो ये रुक जाएगी और फिर दोबारा से क्या करेगी? अपने स्पिनिंग को, अपने रेवोल्यूशन को क्या कर देगी? स्टार्ट कर देगी। तो इस किस्म की सैटेलाइट को हम किसका नाम देते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम देते हैं। एक ऐसा ऑर्बिट जिसके अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करती है? मूव करती है, जो अर्थ की क्या करेगी? आपके पास डायरेक्शन को हमारे पास बताएगी कि अर्थ जो है वो किस तरह से रिवॉल्व कर रही है, लेकिन ये पोलर रीजन से क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी, टुवर्ड ईस्ट वर्ड, किस तरफ? ट्रैवल ईस्ट वर्ड्स इन एन ऑर्बिट डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, जो इक्वेटर से क्या होंगे? जमीन के महवर से क्या होंगे? ऊपर होंगे, ठीक है। इस किस्म की सैटेलाइट को हम किसका नाम देते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट, आपको पता है कि हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए यूज करते हैं ताकि ये सैटेलाइट हमें अर्थ की मूवमेंट के साथ साथ एटमोसफियर को ऑब्जर्व कर सके कि एटमोसफियर जो है, हमारा जो मौसम है, जो वेदर है, जो फिजा है, वो किस तरह की है, वो ठंडी है, वो गर्म है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो ऑब्जर्व करती है अर्थ के एटमोसफियर को, और इसी वजह से ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च करवाया गया है कि ये अर्थ की मूवमेंट के साथ साथ हमें फिजा के बारे में, हमारे माहौल के बारे में भी हमें बता सके। होपफुली आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा, आपने इसको अच्छे से रीड करना है। दिस इज योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 106। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज यूजेज ऑफ सैटेलाइट।